हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू स्टडी ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, सुबह के 3 बज रहे हैं और मैं रोज़ की तरह आज भी उठ गई हूँ अपने टारगेट, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। तो फ्रेंड्स, उठने के साथ ही देखिए मेरा स्टडी टेबल कुछ इस तरह से पड़ा हुआ रहता है, क्योंकि रात में पढ़ते पढ़ते मैं सो जाती हूँ तो ऐसे ही छोड़ देती हूँ। फिर सुबह उठने के बाद मेरा सबसे फर्स्ट काम रहता है बेड को अच्छे से क्लीन कर देना, एंड जितने भी स्टडी टेबल में बुक वगैरह इधर उधर पड़े रहते हैं वो सबको अच्छे से उसकी जगह पे रख देती हूँ, ताकि बाद में पढ़ाई करते टाइम मुझे किसी भी तरह का कोई दिक्कत या कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं अपना सारा भी जो भी काम है मैं फटाफट वो लोग को वो सबको कर लेती हूँ और मैं अपने फर्स्ट सेशन के लिए लग जाऊँगी। तो देखिए और वीडियो में बने रहिए। और फ्रेंड्स, बिना देरी करते हुए चलिए मैं अपने सेशन को स्टार्ट करती हूँ और लगाती हूँ अपना फर्स्ट स्लॉट। और फर्स्ट स्लॉट तो आप लोग को पता ही होगा मेरा रिवीजन है। और फ्रेंड्स, आप लोग का बहुत सारा कमेंट आया और ये अधिकतर कोई का कमेंट आता है, आप लोग वीडियो देखा कीजिए पूरा, क्योंकि बार बार एक ही क्वेश्चन का रिप्लाई करने में अच्छा नहीं लगता। और मैं फिर भी बता दे रही हूँ कि आप लोग का ये क्वेश्चन रहता है कि मेरा ऑप्शनल पेपर क्या है। तो मेरा ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री है और मैं ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में हूँ अभी। और फ्रेंड्स, आप लोग का और भी कमेंट है जैसा कि मैं बता रही हूँ, आप अपना स्टडी टेबल कहाँ से लिए हैं। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि स्टडी टेबल कोई भी शॉप में मिल जाएगा और मुझे लगता है कि बुक दुकान में भी मिल जाता है स्टडी टेबल। और फ्रेंड्स, किन्हीं का कमेंट आया हुआ था कि रूम में कौन कौन सा मैप लगाना चाहिए। तो मैप 2-3 ही इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन अगर आपको कुछ याद करना है, जैसे खाली टाइम पर बैठे रहते हैं तो उसमें अगर आपका ध्यान थोड़ा सा भी जाता है तो रोज़ डेली ना डेली कुछ ना कुछ सीखेंगे ही, इसलिए आप लगा सकते हैं। वैसे इंडिया का है और वर्ल्ड का है और वो संविधान का है, भारत का संविधान और भारत का इतिहास, उसमें मतलब दिया हुआ है अच्छे से मेन मेन पॉइंट सब, तो आप उससे याद कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, एक जगह पे ही सिर्फ बैठकर पढ़ाई करने में, एक ही जगह पे बैठे रहने से नींद आने लगती है, तो इसीलिए अगर आपको मन नहीं लगता है ज़्यादा देर पढ़ने में तो आप जगह चेंज कर करके पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसे में ज़्यादा देर तक पढ़ाई होता है, तो जब मुझे बेड पे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है तो हम टेबल पे आ जाते हैं, चेयर टेबल पे पढ़ाई कर लेते हैं, कुछ थोड़ा टहल कर पढ़ लेते हैं, इस तरह में पढ़ाई ज़्यादा हो पाता है। तो ऐसा आप लोग भी कर सकते हैं कि थोड़ा सा इधर उधर टहल कर या फिर आप प्लेस चेंज कर करके पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ ब्रश कर लेती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, ये मेरा ब्रेकफास्ट है, कुछ फ्रूट्स वगैरह खा लेती हूँ, उसके बाद फिर बनाऊँगी कुछ खाने को। तो देखिए आप लोग, और फ्रेंड्स फ्रूट्स वगैरह खाते खाते मैं करेंट अफेयर्स न्यूज़ वगैरह भी देख लेती हूँ, क्योंकि ऐसे खाली टाइम बैठकर तो खाने का भी मन नहीं करता, तो ऐसे खाते खाते देखने में अच्छा भी लगता है। और इतना अगर ऐसे ही सिर्फ बैठकर खाने से इतना ज़्यादा खा भी नहीं पाते हैं, अगर यही कहीं ध्यान भटका हो और उसके बाद खाते हैं तो पता नहीं चलता प्लेट कब ख़त्म हो गया, तो वैसे ऐसे मेरे साथ होता है। तो अभी देखिए मैं न्यूज़ देखते देखते खा लेती हूँ फ्रूट्स भी, उसके बाद फ्रेंड्स मैं बनाऊँगी खाने के लिए कुछ। फाइनली मुझे भूख लग गया तो मैं चल रही हूँ बनाने की ओर। और देखिए ये गोभी और आलू का सब्जी मैं बना रही हूँ, उसके बाद मैं रोटी बना लूँगी। तो चलिए मैं सब्जी बनाती हूँ फटाफट।
है।